Hi guys, welcome back to my channel Love My Life. This is Keerti and this is the part 2 of my ghat walk tour. So jo log naye hain mere channel pe, main unko batana chahungi that I'm a Banarsi girl and I'm just trying to show my beautiful city Banaras and Banaras ke pyare pyare ghats in this video. So maine is video ka ek part 1 bhi banaya hai. So if you wanted to check that out, you can check my description box. You will find the link out there. सो वीडियो की शुरुआत तो मैंने ब्यूटीफुल सनराइज के साथ की थी जो हमने राजघाट से देखा था. एंड व्हेनेवर आई फील लाइक आई वांटेड टू सी द सनराइज ऑफ बनारस आई ऑलवेज कम टू दिस घाट बिकॉज यहाँ से सनराइज देखने का मजा ही कुछ और है. एंड एज यू कैन सी द व्यू इज अमेजिंग. तो उसके बाद हम अपने वीडियो में आगे बढ़े थे. एंड सिंस दिस इज अ घाट वॉक तो हमने बहुत सारे घाटों पे वॉक करके आगे बढ़े थे. एंड वी हैव रीच टिल गाय घाट जिसमें हमने बहुत सारे घाटों को कवर किया था लाइक रानी घाट, तिलियाना घाट, निषाद घाट, प्रहलाद घाट. सो वी हैव कवर्ड ऑल दैट घाट्स इन माई फर्स्ट वीडियो. एंड जब हम गाय घाट पर पहुँचे थे तो देर वॉज अ ट्विस्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन माई फर्स्ट वीडियो दैट अ ट्विस्ट कम इन टू अवर वॉक. तो जिसकी वजह से हमें अपने प्लान में थोड़े से चेंजेस करने पड़े थे. तो लेट मी शेयर वॉट द ट्विस्ट इज ऑल अबाउट. सो बेसिकली अभी घाट पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था तो जिसकी वजह से बीच का रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो रखा था जिसकी वजह से आप आगे पैदल नहीं जा सकते थे. सो व्हेन वी हैव रीच्ड नियर बाय मणिकर्णिका घाट वी हैव डिसाइडेड टू हायर अ बोट एंड दैट कि हम बनारस के कुछ और घाटों को भी कवर कर सके. तो ऑल्दो इट वॉज अ अनप्लान्ड थिंग बट इफ़ यू आर माई फॉलोअर सो यू माइट नो दैट आई जस्ट लव बोटिंग एंड मैं बोटिंग के तो बहाने ढूंढती ही हूँ. तो इस बार भी मुझे बोटिंग का बहाना अपने आप ही मिल गया था. सो वी हैव हायर्ड अ बोट एंड हमने सोचा कि चलो बोट व्यू भी दिखा देते हैं आपको कि मॉर्निंग में अगर आप बोट राइड पर जाते हो तो हाउ द बनारस के घाट लुक्स लाइक. हमारा खूबसूरत शहर बनारस. वैसे तो बनारस में बोटिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे किसी भी टाइम बोटिंग के लिए जा सकते हैं वेदर इट इज़ अ डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और मे बी नाइट टाइम. नाइट में भी कुछ टाइम तक बोटिंग अलाउ होती है बिकॉज घाट का नाइट व्यू भी देखने लायक होता है. द लाइटिंग्स द होल घाट इज डेकोरेटेड विद द ब्यूटिफुल लाइट्स, कलरफुल लाइट्स एंड इट लुक्स मेस्मराइजिंग इन द नाइट एज वेल. लोग रात में भी बोटिंग के लिए जाते हैं स्पेशली दशाश्वमेध की आरती देखने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा शाम हो जाती है तो इट्स काइंड ऑफ नाइट टाइम. बट फॉर मी आई ऑलवेज प्रेफर टू गो इन द मॉर्निंग और इधर इन द इवनिंग टाइम. So this is the beautiful morning view of Banaras Ke Ghat and I was literally enjoying my boating experience. So well, वैसे तो हमने बोट कुछ ही दूरी के लिए हायर की थी बिकॉज वी वॉन्टेड टू कंटिन्यू वॉकिंग थ्रू द घाट्स. तो जैसे ही मणिकर्णिका घाट आता है वी गेट डाउन फ्रॉम द बोट एंड वी जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द वेरी पॉपुलर टेम्पल ऑफ बनारस जिसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है. सो बिहाइंड मी यू कैन सी द काशी करवट द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ बनारस एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट. एंड मुझे ये मंदिर काफ़ी पसंद है एंड आपने इस मंदिर को बहुत सारी अलग अलग बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा बिकॉज टू फेमस. वैसे तो इस मंदिर से जुड़ी अनेकों कहानियाँ हैं. ये मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है एंड यहाँ पे रत्नेश्वर महादेव का वास होता है. इस मंदिर को लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहा जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस टेम्पल्स ऑफ वाराणसी. आपने इस मंदिर की फोटोग्राफ्स बहुत बार इंटरनेट पर देखी होगी. वैसे तो ये मंदिर काशी के एक ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है
बट कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग पूजा पाठ नहीं करते। ये मंदिर आधे साल तो बाढ़ में डूबा हुआ होता है। इस मंदिर के महादेव गंगा जी में डूबे हुए हैं, एंड जब भारी से भारी बाढ़ आती है काशी में, तो ये मंदिर आधा से ज़्यादा गंगा जी में डूब जाता है। ऐसे तो ये काशी करवट कई साल पुराना है, और इतने सालों से भारी बाढ़ झेलने के बाद भी ये मंदिर कैसे खड़ा है, कैसे टिका हुआ है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। सो काशी करवट को एक्सप्लोर करने के बाद वी हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू द राजघाट। सो वैसे तो बहुत सारे घाट बच रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए, बट सिंस द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज गोइंग ऑन, सो काफ़ी सारे घाट ब्लॉक थे, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया विल गो बैक टू द राजघाट एंड विल कवर अप द रिमेनिंग घाट जो कि बोटिंग के दौरान हमसे छूट गए थे। सो सिंस काशी करवट को एक्सप्लोर करने के लिए हम बोट से काफ़ी आगे आ गए थे, तो वापस जाने के लिए भी हमें एक हैंड बोट हायर करनी पड़ी, जिससे हमने 3-4 घाट का डिस्टेंस कवर अप किया। वैसे तो मुझे जब भी बनारस में बोटिंग के लिए जाना होता है तो आई यूजुअली प्रेफर हैंड बोट रादर स्पीड बोट और स्टीमर और समथिंग, क्योंकि हैंड बोट का जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। आप धीरे धीरे गंगा नदी में नौका विहार कर रहे हो, यू आर एक्सप्लोरिंग ऑल द घाट्स, धीरे धीरे नाव आपकी चल रही है, यू आर फीलिंग द वॉटर, यू आर फीलिंग द वेदर एंड यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द ब्यूटिफुल व्यूज़ ऑफ गंगा घाट्स ऑफ वाराणसी। एंड अगर बात करें स्टीमर की, तो वो काफ़ी जल्दी डिस्टेंस कवर अप कर लेता है, तो एक घाट से दूसरे घाट जाने में टाइम ही नहीं लगता। ऑल्दो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस टू गो विद द स्टीमर ऑल्सो, बट अगर आपके पास इनफ टाइम है एंड यू आर स्पेशली केम फॉर द बोटिंग पार्ट, यू शुड प्रेफर हैंड बोट रादर स्टीमर एंड स्पीड बोट, क्योंकि हैंड बोट में वो धीरे धीरे आपको बनारस के सारे घाट दिखाते हैं। सो दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। So after an exciting boat ride, we have continued with our ghat walk tour, and फिर हमने बनारस के कुछ amazing घाट explore किए, like सिंधिया घाट, संकटा घाट, भोसले घाट, गंगा महल घाट। Well, गंगा महल घाट मुझे काफ़ी पसंद है, because this is one of the most popular and best places for a photo shoot in Varanasi. सो ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए बनारस के खूबसूरत घाटों का भ्रमण करते करते। सो फाइनली हम पहुंच गए गणेश घाट के पास, जहां पे ये खूबसूरत सा होटल है। वैसे तो इस होटल को मैंने बहुत बार बोटिंग के दौरान देखा है, मेरा हमेशा मन होता था कि मैं इस होटल को पास से देखूं, एज द व्यू फ्रॉम दिस होटल इज इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एंड जो भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं स्टे करने के लिए, उनको बनारस का पूरा फील मिलता होगा, बिकॉज द व्यू इज़ अमेजिंग। गंगा घाट के पास रह रहे हो और क्या चाहिए बनारस में रहकर। सो इस होटल को देख के मुझे भी मन हो रहा था दैट आई शुड ऑल्सो गो एंड स्टे फॉर अ डे, बट मे बी इन द फ्यूचर आई कैन डू सो। But anyways guys, let me tell you, this is not a sponsored video. So let's move ahead. So आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचते हैं काशी के एक ऐसे घाट पे जो वैसे तो बहुत पॉपुलर है, बट यहाँ से मेरी भी बहुत सारी स्पेशल मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। बिकॉज बचपन में मैं इस घाट पे रोज आती थी स्विमिंग सीखने। वी यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम विद माई फैमिली, विद माई कजन्स आउट हियर। तो सो मैं कह सकती हूँ कि इस घाट से मेरी बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं, एंड ये घाट मेरे लिए बहुत ही खास है। और इस घाट का नाम है पंचगंगा घाट।
पंचगंगा घाट बनारस का एक बहुत ही बड़ा घाट है एंड ये पूरी तरह से पत्थरों से बना है और यहाँ पे हर रोज हजारों लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं एंड इस घाट पे आपको कई छोटी और बड़ी मंदिर देखने को मिलेगी। सो सिंस मैं इतने सालों बाद पंचगंगा घाट पे आई थी सो आई फील लाइक स्पेंडिंग सम मोर टाइम आउट हियर सो दैट आई कैन रिकॉल माई ओल्ड मेमोरीज माई चाइल्डहुड मेमोरीज। तो वो सारी बातें और सारी यादें रिकॉल करने के लिए वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट टी ब्रेक एंड एनी वेज घाट पर आओ और चाय ना पियो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ टी ब्रेक आउट हियर। सो इस घाट पर आपको टी के काफ़ी सारे स्टॉल मिल जाएंगे तो ऐसे ही एक टी स्टॉल पर हम गए थे अपनी सुबह की चाय पीने। विंटर मॉर्निंग है बनारस के घाटों पे वॉक कर रहे हैं तो चाय के बिना तो ये वॉक अधूरी है तो लेट्स टेक अ टी ब्रेक। बनारस के कुल्हड़ वाली चाय और बनारस के खूबसूरत घाटों के नज़ारे इसे कहते हैं परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे। So after taking the tea break, we have continued our walk. And जैसे ही सुबह होती जा रही थी घाटों पे भीड़ बढ़ती जा रही थी तो हमने जो घाट हमसे मिस हो गए थे while doing the boating, वो सारे घाटों को explore किया वापस से। So this is also one of my favorite घाट्स because as you can see the wall paintings here are amazing. I really want to appreciate this artwork. In khoobsurat paintings ki wajah se Banaras ke ghat aur bhi khoobsurat dikh rahe hain. And finally, we have reached to our destination, that is Rajghat. So that's it for this vlog, guys. I have ended my walk here. So we again at Rajghat, and आप देख ही सकते हैं कि अभी यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है. And the markets are also open. So ये थी मेरी walk बनारस के घाट्स पे. So guys, I hope you have enjoyed watching this video and you can share your views in the comment section. And if you like this video, consider subscribing to my channel, hit the bell icon and press the like button. And you can also follow me on Instagram and Facebook, links are in the description. So guys, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.